स्टूडेंट्स, आई एम दीपिका शर्मा, आपकी इंग्लिश टीचर। आज मैं आप लोगों को एरर करेक्शन के बारे में बताऊंगी। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जो कि एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम्स में आते हैं, और इनमें आपको एरर डिटेक्ट करके उसका करेक्शन करना है कि कहाँ पर गलत है सेंटेंस में, कहाँ पर कौन से पोर्शन में गलती है, और फिर हम उसको फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको करेक्ट करेंगे। तो देखते हैं हम सेंटेंस। फर्स्ट देखिए, पहला सेंटेंस मैंने लिखा है वंस यू ग्रेजुएट, ठीक है, गेट अ जॉब वुड बी इजियर। ये है सेंटेंस हमारा, वंस यू ग्रेजुएट। कोई भी सेंटेंस जब हम देखते हैं, यदि वो लेंथी है या हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, थोड़ा थोड़ा तोड़ करके, पहले उसे समझ करके फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वंस यू ग्रेजुएट यानी एक बार जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो गेट अ जॉब वुड बी इजियर, तो जॉब पाना आपके लिए इजियर होगा, आसान होगा। तो यहाँ पे गलती जो है वो बी पोर्शन में है। देखिए, गेट अ जॉब, गेट अ जॉब की बजाय यहाँ पे आएगा गेटिंग अ जॉब, यानी कि यहाँ पे आईएनजी लगेगा, जीरंड यूज होगा, गेटिंग अ जॉब। गेटिंग अ जॉब का मतलब ये है कि जॉब पाना, ठीक है ना, गेटिंग अ जॉब वुड बी इजियर, ये वुड बी का सब्जेक्ट बनेगा, गेटिंग अ जॉब ये वुड बी का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि यदि एक बार आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो जॉब पाना आपके लिए आसान होगा। तो गेट की बजाय गेट यहाँ पे एरर है, उसकी जगह गेटिंग होगा, यहाँ पे गेटिंग अ जॉब, जॉब पाना है ना, मतलब नौकरी पाना आपके लिए, ये एक तरीके से जीरण का काम करेगा और ये वुड बी का सब्जेक्ट बनेगा, गेटिंग अ जॉब, गेटिंग है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये गलती थी बी पोर्शन में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द हिल, मतलब मैंने डिसाइड किया, निर्णय किया टू क्लाइंब टू द। अब यहाँ पे एरर कहाँ पे आ रही है, टू क्लाइंब लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टू के बाद वी वन आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्लाइंब की बजाय यहाँ पे होगा क्लाइंब, ठीक है, सी एल आई एम बी, क्लाइंब, टू क्लाइंब, टू क्लाइंब क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आई डिसाइडेड टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द हिल, यानी मैंने पहाड़ी के टॉप पर, पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने का डिसाइड किया, यानी फैसला किया। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू क्लाइंब, है ना, मैंने पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने का फैसला किया, तो आई डिसाइडेड टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द हिल। तो टू क्लाइंब यहाँ पे क्या है, हमारा इन्फिनिटिव है, टू प्लस वी वन आता है इन्फिनिटिव में, ईडी हट जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रीडिंग प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस विद द माइंड। अब यहाँ पे एरर कहाँ पे है, रीडिंग यानी जो पढ़ना है वो प्रोवाइड करता है, उपलब्ध करता है न्यूट्रिशन यानी पोषण विद द माइंड। विद द माइंड की जगह यहाँ पे आएगा टू द माइंड, यानी माइंड को पोषण देता है, टू द माइंड यानी जो है किसी को कोई चीज देना, तो वहां पे टू आएगा, ठीक है ना। रीडिंग प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द माइंड आएगा यहाँ पे, देख लीजिएगा, प्रीपोजिशन की गलती है, यहाँ पे टू द माइंड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। When a student works on a mathematical problem, जब कोई student mathematical यानी गणित की problem पर काम करता है, he comes to a stage, तो वो एक ऐसी स्थिति में आ जाता है beyond which, जिसके परे he do not know how to proceed। अब यहाँ पे error कहाँ पे, he do not, तो he के साथ में चूंकि he क्या है हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ जो हमारी वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो डू नॉट की जगह क्या होगा, डज नॉट आएगा, ठीक है ना। यानी ये जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है ये डू नॉट नहीं आएगी, ही के साथ हमेशा डज नॉट का यूज होता है। तो ये बी पोर्शन में हमारे एरर थी, यहाँ पे आएगा ही डज नॉट नो हाउ टू प्रोसीड, यानी जब एक स्टूडेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम पे काम करता है तो वो एक ऐसे स्टेज में आ जाता है जिसके परे वो ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता हाउ टू प्रोसीड कि अब आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। आई हैव चेक्ड दिस मंथ कैलेंडर और नो एरर, ठीक है। तो यानी आई हैव, ये फर्स्ट पोर्शन है, चेक्ड दिस ये बी पोर्शन है, मंथ कैलेंडर ये सी पोर्शन है, और नो एरर ये डी है। तो इसमें कौन से पोर्शन में गलती है देखते हैं हम। ये आई हैव चेक्ड, अब आई हैव चेक्ड ये कौन सा टेंस बन रहा है, मैंने चेक किया है,
यानी कि ये हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, हैव प्लस वी थ्री यानी प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है दिस मंथ कैलेंडर, मंथ कैलेंडर नहीं होगा यहाँ पे, मंथ कैलेंडर होगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा यहाँ पे, मंथ का कैलेंडर यहाँ पे हो जाएगा मंथ्स, है ना, मंथ्स कैलेंडर। तो यहाँ पे हमारे सी पोर्शन में एरर था, मंथ की जगह हमें मंथ्स करना है, एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ठीक है। तो मैंने इस मंथ का यानी इस महीने का, मंथ यानी महीने का कैलेंडर चेक किया है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस बताए, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैनी अ पैसेंजर हैव बीन, मैनी अ पैसेंजर हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो मैनी अ पैसेंजर यानी कई एक पैसेंजर हैव बीन टेकन, अब यहाँ पे एरर कहाँ पे आ रही हैव बीन, ये हैव की जगह यहाँ पे आएगा हैज बीन, क्योंकि मैनी अ पैसेंजर को हम जो है वो कई एक पैसेंजर, ये जो हमारे सेंटेंस है ये हम सिंगुलर, इसका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर के तौर पे मानेंगे और इसको हैव की जगह हैज करेंगे, यानी हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही आएगी, हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल आएगा। अगर यहाँ पे होता मैनी पैसेंजर्स यानी कई यात्री, तब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल माना जाता, मैनी पैसेंजर्स, तो वहां पे हैव आता, लेकिन यहाँ पे है मैनी ए पैसेंजर यानी यात्रियों में से कई एक यात्री, इसका मतलब है कई एक यात्री हैज बीन टेकन, तो मैनी ए पैसेंजर के साथ हम हैज लगाएंगे, ठीक है ना। तो एरर हमारे बी पोर्शन में है, यहाँ पे हम जो है हैव की जगह हैज यूज करेंगे, जैसे कि मैनी अ स्टूडेंट या, है ना, तो इस तरीके से हम बोलते ना कई एक विद्यार्थी, तो वहां पे हम उसे सिंगुलर मान के उसकी वर्ब को भी सिंगुलर ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द रोमन चर्च ऑफ कैथोलिक्स इज वन ऑफ द प्रेशियस इंस्टीट्यूशंस, और डी में है नो एरर। तो अभी से देखिए, द रोमन चर्च ऑफ कैथोलिक्स यानी कि कैथोलिक्स का ही रोमन चर्च, है ना, जो रोमन चर्च ऑफ कैथोलिक्स यानी जो चर्च कैथोलिक्स का रोमन चर्च इज वन ऑफ द प्रेशियस इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे देखिए कोई एरर हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि ये जो है इस वन ऑफ द के साथ में प्रेशियस इंस्टीट्यूशंस ही आता है, ठीक है ना, हमारी जो नाउन है वो यहाँ पे प्लूरल में जाती है, कि वन ऑफ द यानी जितने अच्छे जो इंस्टीट्यूशंस है, जितनी अच्छी जो संस्था है उनमें से एक है रोमन चर्च ऑफ कैथोलिक्स, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें नो एरर आएगा, हमारा डी आंसर है इसमें, द रोमन चर्च ऑफ कैथोलिक्स इज वन ऑफ द प्रेशियस इंस्टीट्यूशंस, ये करेक्ट है हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रैपिड डेवलपमेंट्स इन मॉडर्न मेडिसिन हैज कॉन्कर्ड मैनी डिजीजेस एंड कॉन्सिक्वेंटली द डेथ रेट हैज डिक्रीज्ड, ठीक है, और डी है नो एरर। तो इसमें देखिए, रैपिड डेवलपमेंट्स इन मॉडर्न मेडिसिन, अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, रैपिड डेवलपमेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, रैपिड डेवलपमेंट्स यानी तेज गति से होने वाला विकास इन मॉडर्न मेडिसिन यानी आधुनिक मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में, आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में हैज कॉन्कर्ड, उसने जीता है मैनी डिजीजेस कई बीमारियों को, एंड कॉन्सिक्वेंटली और परिणामतः द डेथ रेट जो मृत्यु दर है हैज डिक्रीज्ड, वो घटी है, वो कम हुई है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसमें है, प्लूरल में है, रैपिड डेवलपमेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा रैपिड डेवलपमेंट्स, इसलिए जो इसकी वर्ब आएगी, इसकी वर्ब है यहाँ पे हैज दिया हुआ है, तो हमारी वर्ब भी किसमें आएगी, प्लूरल में आएगी, तो करेक्शन यहाँ भी करना है, हैज की जगह हमें हैव करना पड़ेगा, ये है एरर हमारी, यहाँ पे आएगा रैपिड डेवलपमेंट्स इन मॉडर्न मेडिसिन हैव कॉन्कर्ड आएगा, यहाँ पे हैव कॉन्कर्ड मैनी डिजीजेस एंड कॉन्सिक्वेंटली द डेथ रेट हैज डिक्रीज्ड, ये है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा सब्जेक्ट हमें देखना है ये प्लूरल में, डेवलपमेंट्स में एस लगा है, इसलिए इसकी जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल में ही आएगी, इसलिए हमें एस का हैव करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन वी आर एबल टू स्टॉप पॉज एंड थिंक, ठीक है, हम इसको
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं पहले. व्हेन वी आर एबल, जब हम सक्षम हैं, एबल टू स्टॉप, रुकने के लिए, पॉज एंड थिंक, और सोचने के लिए मोर अबाउट अवर एक्शंस, हमारे कार्यों के प्रति सोचने में हम सक्षम हैं. वर्ड्स, हमारे शब्दों एंड थॉट्स और विचारों के बारे में सोचने में जब हम सक्षम हैं, वी बिगिन, तो हम शुरू करते हैं टू सी द कॉज एंड अफेक्ट मोर क्लियरली. जब हम ऐसा कर पाने में सक्षम है तो हम शुरू करते हैं टू सी द कॉज, जो भी कारण है, और परिणाम मोर क्लियरली. बहुत अच्छे से हम फिर कारण और परिणाम को जो है वो समझने की शुरुआत कर पाते हैं. ठीक है ना, जब हम अपने एक्शंस को, थॉट्स को, वर्ड्स को अच्छे से समझ पाते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तभी हम जो है उनके कारणों और परिणाम को क्लियरली देख पाते हैं, ये मतलब है. तो अब यहाँ पे देखिए मिस्टेक कहाँ पे है, टू सी द कॉज, कॉज यानी कारण. ठीक है, यहाँ पे एंड अफेक्ट लिखा हुआ है, मिस्टेक यहाँ पे, अफेक्ट जो है वो वर्ब है, जबकि हमें यहाँ पे नाउन चाहिए, तो अफेक्ट की जगह हमें इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, इफेक्ट. ठीक है, तो ये सी पोर्शन में एरर थी, अफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इफेक्ट, यानी उसका जो भी परिणाम है, जो भी प्रभाव है ना. वी बिगिन टू सी द कॉज, कारण और प्रभाव मोर क्लियरली, तभी हम देख पाते हैं. तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट आएगा, अफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अफेक्ट वर्ब होती है और इफेक्ट नाउन होता है, तो यहाँ पे हमें इफेक्ट यानी नाउन लेना पड़ेगा, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस बताए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. हमारे जो भी सेंटेंस आते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वहां पे जनरली या तो सब्जेक्ट में जो है वो एरर होती है, यानी सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब जाती है, कई बार हमें सब्जेक्ट प्लूरल में रहता है लेकिन वर्ब सिंगुलर में दे देते हैं, तो हमें वहां पे वर्ब उसको सिंगुलर से हटा के प्लूरल करना पड़ता है. कई बार हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन की मिस्टेक आ जाती है, आर्टिकल की मिस्टेक आ जाती है, कहीं पर एपोस्ट्रॉफी लगाना पड़ता है. ठीक है ना, या फिर जैसे हमने शुरुआती सेंटेंस देखे तो वहां पे हमें जीरंड यानी आईएनजी लगाना पड़ा, तो हमें सब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से जो है चेंज करना पड़ता है. तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही एरर करेक्शन करें. सेंटेंस भले लेंथी दिया हो, आप उसे समझ करके, वहां पे मिस्टेक छोटी सी ही रहती है, आप उसको इजीली फाइंड आउट करके उसको सही कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं. तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल दीपिका शर्मा लर्निंग इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए. आपको किस तरह के वीडियोस और इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वही बना करके आपके सामने पेश प्रेजेंट करूंगी. थैंक यू वेरी मच.